हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। दोस्तों, आज हम ये सारी कार यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने साड़ी को डबल फोल्ड किया हुआ है और मैं कट कर लूँगी। ऐसे फोल्ड किया हुआ है, वहाँ से मैं कट कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उतनी आप रख सकती हैं। और इसका मैं कट करने के बाद नाप बता देती हूँ। तो आपको यहाँ से ये जो फ्लावर प्रिंट है वो हम कट करेंगे, उतनी ही कट करेंगे नीचे से जो साड़ी है उसकी। और इसमें हम बेबी के लिए प्यारी सी फ्रॉक बनाएंगे। तो आप ऐसी बड़ी फ्रॉक भी बना सकते हैं अपने लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। तो अब मैं इसका नाप बता देती हूँ। तो यहाँ से है ये 19 इंचिस और यहाँ से है ये 40 इंचिस। अब हम अस्तर को कट कर लेंगे। तो ये ब्लाउज में जो कॉटन अस्तर यूज़ होता है वही है। यहाँ से 24 इंचिस और यहाँ से है ये 16 इंचिस। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट हमने कट किया था वो अस्तर के ऊपर ऐसे रखना है और हमें 1 बाय 1 प्लेटें लेना है। और अस्तर को भी हम साथ में ही ले लेंगे। और हमें प्लेटें इतनी लेनी है जितनी हमें हमारी बेबी की कमर है उससे थोड़ी सी 2 इंचिस ज़्यादा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसी तरीके से प्लेटें ले ली हैं। अब हम इसका नाप बता देती हूँ। तो 14 इंचिस लिया है मैंने। अब हम ये ऊपर का बनाने के लिए कट किया है 14 बाय 10 इंचिस। आप चाहे तो ऊपर का भी पहले बना सकते हैं। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम शोल्डर रखेंगे 5 इंचिस और आर्म होल रखेंगे 5 इंचिस और यहाँ पे ऐसे राउंड शेप दे देंगे। और नेक यहाँ पे हम 2 इंचिस रख रहे हैं, नीचे भी 2 इंचिस रखेंगे। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कट कर लूँगी और आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसी के नाप से हमें साड़ी भी कट करनी है। और नीचे की ओर जहाँ पे हमारी कमर है वहाँ पे 1/2 इंचिस का मार्क करके ऐसे लाइन को मिलाकर कट कर लेना है। अब देखिए, ये जो साड़ी का कपड़ा है उसे हमें ले लेना है, इसके ऊपर रख लेना है। और थोड़ा सा हमें इसे बड़ा ही कट करना है क्योंकि साड़ी का कपड़ा है ना, वो थोड़ा ही बड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम स्टिच कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेक में भी हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे नॉचिस लगा लेंगे इस तरीके से आर्म होल पे और नेक पे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन का बेबी फ्रॉक बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने लिए बनाना है तो भी बना सकते हैं बड़ी साइज में भी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। दोनों पार्ट हमने सीधे कर लिए हैं। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच कर लिया। अब हम नीचे का जो पार्ट है उसे ऐसे उल्टा रख के स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, स्टिच हो गई है। अब हम दोनों शोल्डर को मिला लेंगे यहाँ पे ऐसे रख के, यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें दोस्तों क्या करना है, साइड में भी हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। तो साइड में हमारा स्टिच हो गया है। अब हम 5 इंचिस की ऐसी 2 इलास्टिक लेंगे। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी है दोस्तों तो आप बेल्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है जहाँ पे हमने स्टिच किया है ना वहाँ पे। देखिए, इस तरीके से हमें पकड़ना है और इसके ऊपर इलास्टिक को खींचते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खींचते हुए इलास्टिक को अटैच कर लिया है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आसानी से वो पहन भी सकती हैं। और
तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हमारा ड्रेस हो गया है रेडी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।